वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस। हियर इन माय वेबसाइट यू कैन सी ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट आर हियर एंड ऑयल प्रोसेसिंग वर्क इज गोइंग ऑन। सो ऑल डिटेल्स टू इन दिस वीडियो वी विल कवर। हम बात करेंगे पूरा प्रोसेस ऑयल निकालने का, ऑयल कितना दिन में निकलता है, कैसे प्रोसेस होता है, किस लकड़ी से होता है, सभी बात करेंगे। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी है, सो उनसे भी जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सो हेयर यू कैन सी आवर एक्सपर्ट, ही इज नाउ शोइंग। भाई आप बताइए किस तरह इसको किया जाता है। ये जो है अगरोट का गिला हुआ जो अगरोट है, इसको भिगाना पड़ता है 20 से 25 दिन तक पानी में ऐसे भिगा के रखना पड़ता है। ये जो ड्रम है, एक ड्रम में कितना केजी तक आप भिगा सकते हैं? 30 किलो दे सकते हो, 30 किलो सुखा के दे सकते हो, सुखा माल। तो ये पानी के साथ है ना? पानी के साथ 30 किलो सामान देना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्यों दिया गया है? ये दबा के रखने के लिए, ताकि ऊपर ना हो। अच्छा, तो ये सारा ड्रम नेक्स्ट मतलब प्रोसेस में उठाने के लिए। ये 4 ड्रम एक इसमें एक डेग में 4 ड्रम जाता है। अच्छा, ये 4 ड्रम तो ऑलरेडी 4 ड्रम इसमें डाला हुआ है। इसके अंदर 4 ड्रम डाल दिया हमने, वो खत्म होने के बाद आप ये डालेंगे। इसको खत्म करके बाद में इसको डालेंगे। अच्छा, तो वो दिखाइए किस तरह आप फायरवुड से क्या लकड़ी कैसे करते हैं। इसको पूरे तरह। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, इसमें कितना केजी आप लकड़ी डालना पड़ेगा, कितना कैपेसिटी है इसका? 120 किलो, एक कुंटल 20 किलो मतलब। तो वो ड्रम मतलब 30 केजी करके 120 हो गया। अच्छा, 120 केजी डालना पड़ता है खाली वो लकड़ी? लकड़ी बिगा हुआ लकड़ी। अच्छा, ऊपर से डालना पड़ता है। हाँ, पानी का क्वांटिटी कितना लगभग आपका? लगभग 50 लीटर्स 50 टू 60 लीटर्स हो जाएगा। इसको फुल पैक करना पड़ता है, पैक करके इसको क्लैंप लगा के टाइट करके, जैसे बाहर ना आए। अच्छा, तो फिर नीचे से हम वुड से फायर करते। अच्छा, कंटिन्यू चल रहा है ना? कंटिन्यू चल, मतलब ये बंद नहीं होना पड़ेगा? नहीं, 15 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, वो लकड़ी तो ये है ना, ये लकड़ी आप यूज करते हैं? ये लकड़ी, ये तो कोई कोयला या इलेक्ट्रिक नहीं है? नहीं, नेचुरल है, नेचुरल लकड़ी है। अच्छा, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। अच्छा, और बाद में थोड़ा और बताइए। वो करने के बाद आग लगाने के बाद मीटर से बाप निकाल के इसका सब ऑयल जो है, हाँ, यहाँ से आता है। अच्छा, आके इसका अंदर घुमा हुआ है। अच्छा, ऊपर में जमा होता जी, है जी, घूम घूम के यहाँ आके जमा होता है यहाँ में। ये जो है इसमें आके ऑयल जी इसका अंदर ऑयल स्टॉक होता है। ऑयल स्टॉक होने के बाद हम 3 दिन या 4 दिन में इसको हाथ से इसको ऑयल लेते हैं। किस प्रकार से वो करते हैं आप लोग, थोड़ा दिखाइए हाथ से। जैसे मान लीजिए ये है। अच्छा, वो अलग है। अच्छा, ये जो है जी, इसको हम यहाँ, ये इसका अंदर जो है ऊपर में, मतलब वो आ जाता है ऑयल का क्वांटिटी आ जाता है। अच्छा, फिर हम हाथ से ऐसा अच्छा इसको लेते हैं। वो दूसरा कोई डिब्बा या कांच का वो बोतल में आप लोग डालते हैं? कांच में, उसमें एल्यूमिनियम का वो आता है। अच्छा, अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो आप लकड़ी लगाया है, एक बार डालने के बाद 120 किलो माल, तो कितना दिन तक ये आपको जलाना पड़ेगा लकड़ी के साथ, मतलब कितना दिन उबालना पड़ेगा इसको? 15 दिन तक कंटिन्यू हम चलाते हैं। अच्छा, 15 दिन तक होने के बाद वो ऑयल निकल जाएगा? ऑयल तो निकल जाता है, 3 दिन में हम लोग एक बार काटते हैं वो फर्स्ट जल का, एकदम टॉप ग्रेड का। 7 दिन में एक बार लेते हैं वो सेकंड ग्रेड का। अच्छा, लास्ट में जो बैठ जाता है वो सेम चिप से, सेम लकड़ी से 3 बार से निकलेगा। फर्स्ट में जो निकलेगा वो फर्स्ट जाल का, 3 दिन में, 3 दिन का काटा है वो। अच्छा, 7 दिन में एक बार करते हैं, फिर 15 दिन में लास्ट में एक बार लेके बंद करते हैं। अच्छा, ये जो मशीन है इससे बड़ा भी मशीन आता है साइज में? ये तो 60 किलो का कहते हैं। अच्छा, इससे बड़ा 100 किलो का आता है, 500 किलो का आता है। अच्छा अच्छा, 1 क्विंटल का भी आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो है 60 किलो का लकड़ी का, बस 60 किलो वाला चलता है लकड़ी से, और बाकी जो है भूसा से चलता है, उसका अतर इतना अच्छा नहीं होता है। ये एकदम प्योर नेचुरल है, नेचुरल है, लकड़ी से है। इसका टोन भी अच्छा, बहुत अच्छा खुशबू भी अच्छा आता है जी। अच्छा, आपका जैसा कि आप लोग देखे हैं वीडियो में, जितना कवर हो सका हमने वीडियो में आपका शॉर्टली, मतलब ऑयल डिस्टिलेशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी हम देंगे, और कुछ आप लोगों को जानना है या ऑयल चाहिए इसका, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, वो प्राइस भी अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, प्राइस अलग अलग हो सकता है, जगह के डिलीवरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आप लोग वीडियो का नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके उसका और भी जानकारी ले सकते हैं। या आप चाहे तो प्रैक्टिकली मेरा घर
आसाम हुजई डिस्ट्रिक्ट में हुजई टाउन में आप विजिट कीजिए प्रैक्टिकली, और आप लोग जान सकते हैं प्रैक्टिकली देख के वो बल्क में हो या स्मॉल क्वांटिटी में हो आप खरीद सकते हैं, या आप अगर फ़ोन पे अगर ऑर्डर करते हैं तो बाई कुरियर हम विद इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री हो हम डिलीवरी कर सकते हैं, प्रोसेस अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।